नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोने। ये जो मेरे पीछे आप एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी देख पा रहे हैं, एक बार चाहूंगी इधर से दिखा दीजिए। फायर ब्रिगेड की जो आप ये गाड़ी देख पा रहे हैं, आपको बता दूं इस वक्त मैं हिसार के हाउसिंग बोर्ड के अंदर मौजूद हूं, जो सिरसा रोड के ऊपर पड़ता है। वहां पर एक घर के मंदिर में दिया जल रहा था, जिसकी वजह से आग की लपटें जो है तेज हो गई और किसी वजह से जो है आग पूरे के पूरे घर के अंदर फैल गई, जिसके बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। एक बार सामने की तरफ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी, आप लोग देख सकते हैं कि दमकल विभाग की गाड़ियां यहां पर पहुंच चुकी है और आग जो है बुझाने की कोशिशें की जा रही है। और बताया जा रहा है कि घर के अंदर जो है एक दिया जलाया गया था, जिसकी वजह से दिए ने आग पकड़ ली। और आप अंदर देख सकते हैं, अंदर जो है अभी तक कोशिशें की जा रही है, पूरे घर के अंदर आग फैल चुकी है और ये आग जो है अभी बुझाने की कोशिश की जा रही है। और पूरे घर के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि पानी ही पानी हो गया है, सभी जगह आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी जो है पानी डाल करके दमकल विभाग की टीम अपने रिस्क के ऊपर जो है ये आग बुझाने की कोशिश करी है। एक बार इधर की तरफ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, आप लोग देख सकते हैं अंदर की तरफ जो है पूरा का पूरा रसोई घर, जी हाँ, पूरी की पूरी किचन जो है वो काली हो चुकी है। और यहाँ पर ये शीशे भी तोड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाना चाहूंगी, ये शायद शीशे तोड़ करके बाहर निकले हैं। सर, ये मंदिर के अंदर दिया जलने से लगी आग? सर, ये मंदिर के अंदर दिया जलने से लगी आग? पता कैसे लगी, अभी कुछ नहीं पता। अच्छा, आपको बता देती हूँ, प्राथमिक जानकारी के अनुसार जो है अभी मंदिर के अंदर दिया जलने से आग लगी है, ये बताया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं घर के अंदर का सामान जो है अभी बाहर लाया जा रहा है, जो भी कागजात इम्पोर्टेंट है उनको कहीं ना कहीं हटाने की कोशिशें की जा रही है। और अंदर जो है ये देख लीजिए, अंदर जो है अभी अभी जो है ऊपर से कुछ गिर गया, जिसकी वजह से एक पुलिसकर्मी की जान बच गई, नहीं तो हो सकता था कि एक और हादसा यहाँ पर हो जाता। अभी दमकल विभाग की टीम अंदर मौजूद है और लगातार आप लोग देख सकते हैं ये बहता पानी इस चीज का गवाह है कि यहाँ पर अभी आग बुझाने की कोशिशें जो है लगातार जारी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और अगर ऊपर की तस्वीरें भी आप देखेंगे तो देखेंगे कि पूरा घर जो है काला हो चुका है, जी हाँ, पूरा घर काला हो चुका है। अगर यहाँ पर गेट की बात की जाए, ये दरवाजा देख सकते हैं आप कमरे का, जो पूरा का पूरा लकड़ी का है और जल करके तहस महस हो चुका है, पूरा काला हो चुका है। और ये रसोई घर है, शायद इसी रसोई घर के अंदर कोई दिया लगाया गया था मंदिर के अंदर, जिसने आग पकड़ ली और पूरी की पूरी आग पकड़ने की वजह से जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं घर का सारा सामान भी जो है बाहर की साइड आ चुका है। और अंदर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, ठीक है, तो आपको ये सीधा लाइव तस्वीरें जो है हम दिखाना चाहेंगे, एक बार जो है अंदर की तस्वीरें, ठीक है। गर्म है जी, गर्म है जी। अच्छा, ये बता दीजिए आग कैसे लगी है? आग का करना मालूम है जी। अच्छा, तो यहाँ पर एक बार ये गेट दिखा दीजिए, देखिए किस तरीके से जो है आग लगी है। यहाँ पर जो आसपास के लोग मौजूद है इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि घर का सामान पूरा बाहर आ गया। सर, ये आग किस वजह से लगी है? लगी भाई, अपन के भी रुका लगी भीतर। अच्छा, बताया जा रहा है अंदर मंदिर में दिया जल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो भी चीजें है मंदिर के अंदर से अभी जो है कान्हा जी को बाहर निकाला गया है। और फायर ब्रिगेड की टीम के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी भी यहां पर पहुंच गए हैं। आगे जो लोग मौजूद है, शायद घर परिवार के व्यक्ति होंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। महिलाएं यहां पर दिखाई दे रही हैं खड़ी हुई, इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये आग लगने के पीछे का कारण क्या है। तो ये आगे आप देख सकते हैं, शायद जिस महिला का पैर जल गया है वो भी यहाँ पर मौजूद है। ये जिसके घर के अंदर आग लगी है, किसका घर है? मेरा। आपका है, किस वजह से ये हादसा हुआ है? ये नहीं पता। अच्छा, ये कुछ बताया जा रहा है कि मंदिर के अंदर दिया जल रहा था, जिसकी वजह से आग ने जो है पकड़ लिया। कुछ नहीं पता, मैं दूसरे घर रहती थी, हमारे पास फोन आया तब मैं देखने के लिए आई हूँ। अच्छा, घर के अंदर कितने लोग रहते हैं? घर के अंदर 3 आदमी रहते हैं, और वो भी नहीं थे घर पे। अच्छा, तो अभी क्या आपको चोटें लगी है या फिर आप ठीक है? किसी को कुछ भी नहीं हुआ, घर जला है, बन जाएगा, भगवान की कृपा है, बन जाएगा, सामान जला जल के देखी जाएगी। तो अभी जो है आग के ऊपर काबू पा लिया गया है। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई, कोई चोट नहीं आई, बच्चे तो कोई भी नहीं। अच्छा, मतलब बच गए हैं सारे? नहीं, इंसान तो कोई भी नहीं था उसके अंदर, जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माल का बहुत ज्यादा हुआ है, माल बिल्कुल खत्म हो गया घर का, पूरा घर जल गया है मतलब। अच्छा, घर के अंदर कितने कमरे हैं? घर के अंदर 3, एक ऊपर है, 2 नीचे हैं। तो मतलब ऊपर भी आग लगी है, नीचे नीचे, ऊपर नीचे सब जगह प्रॉपर जल गया, सब कुछ जल गया। अच्छा, पूरे घर में लग गई आग तो, और कोई नहीं था, इंसान तो कोई नहीं था, खाली बस है ना,
लॉक लगा हुआ था, अंदर अंदर आग लगी, पता नहीं बिजली से लगी, पता नहीं दिए से लगी, ये तो हम कह नहीं सकते। किसी महिला के पैर जलने की भी खबरें मिल रही थी? नहीं, यहाँ तो पैर किसी के नहीं जले, बच गए सारे। तो ये पता कैसे चला, किसको पता लगा? निकला ना आवाजें आनी शुरू होगी। अच्छा, सिलेंडर बाहर काट दो आग लगी, सिलेंडर बाहर काट दो आग लगी, ऐसे आवाजें आ रही थी। अच्छा, यानी कि नीचे जो है किचन था, वहाँ से जैसे ही आग पकड़ी गई वैसे ही दमकल विभाग की टीम को किसने? बाहर का लॉक लगा हुआ था जैसे गेट का। आप मौके पर मौजूद थे? नहीं, मंदिर में जोत जल रही थी। अच्छा। वहाँ से मतलब ना आग धीरे धीरे बढ़ते पर्दे को लगी। अच्छा। फिर सारे घर में फैली। अच्छा। और चोट किसको लगी है पैर पे? यहाँ साथ वाले में अपने मतलब पैडी से उतरा था एक बच्चा, वो गिर गया। अच्छा। और दूसरे वो लेडीज के ऊपर जैसे गिरा तो उसके पैर में चोट लगी। ठीक है, तो ये फायर ब्रिगेड की टीम को किसने फोन किया था? वो साथ वाले पड़ोसियों ने करा था। अच्छा, तो अभी मतलब मेरे घर का सारा सामान जल चुका है? बिल्कुल राख हो। घर के अंदर कौन कौन रहता था? तीन जन ही रहते। तीन जने कौन? उनके दो बेटे और एक माँ। मतलब फादर नहीं है? फरीदाबाद रहते थे। फादर फरीदाबाद रहते। बच्चे बड़े हैं छोटे हैं? बड़े हैं बच्चे। बड़े हैं। तो ये जो अभी लड़की यहाँ बैठी थी, ये उनकी गुड़िया है? अच्छा, उनकी दादा अपने दादा दादी के साथ रहती है। अच्छा, दूसरी गली में रहते हैं। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पर पता चल रहा है कि घर के अंदर जो है तीन ही सदस्य रहते थे, एक माँ रहती थी, दो बेटे रहते थे, और घर जो है पूर्ण तरीके से बंद था, लॉक था। और पड़ोसी जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर उनके मंदिर के अंदर एक ज्योत जल रही थी, जिसकी वजह से पर्दे ने आग पकड़ी और देखते ही देखते जो है पूरा घर जल करके तहस महस हो गया। अंदर जो है कुछ भी नहीं बचा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। अगर आप लोगों के घर के अंदर भी मंदिर है, ये जो बाहर आप लोग देख पा रहे हैं, ये फ्रिज देख पा रहे हैं, फ्रिज के अंदर भी आग लग गई थी, जिसकी वजह से हादसा बड़ा हो सकता था। इसीलिए फ्रिज के अंदर से पीछे की जितनी भी वायर थी, फिटिंग थी, वो सभी निकाल दी गई है और फ्रिज को जो है गली के अंदर बाहर छोड़ दिया गया है। क्योंकि बात की जाए गली की चौड़ाई की, तो गली की चौड़ाई बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से दमकल की गाड़ियाँ अंदर नहीं आ पा रही थी, सिर्फ एक ही गाड़ी आ रही थी। हालांकि दो गाड़ी जो है गली के बाहर खड़ी है, लेकिन अभी भी अगर ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो पूरा का पूरा घर जो है काला हो चुका है। लपटे आप लोग देख पा रहे हैं। गाड़ी आया? अच्छा, पीछे से भी लगा रखी है गाड़ियाँ? दो गाड़ियाँ पीछे भी लग रही है और दो गाड़ियाँ इस तरफ लग रही है जी। तो ये देखिए फायर ऑफिसर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कारण मान रहे हैं प्राथमिक तौर के ऊपर जांच में कि किस वजह से आग लगी है? मैडम जी, ऐसा है, आग लगने का कारण तो हमारे को नामालूम है, लेकिन आग से ज़्यादा नुकसान हो गया बिल्डिंग। अगर मान लिया, अगर टाइम पर हम नहीं पहुँचते यहाँ पर, सिलेंडर हमको दो सिलेंडर निकाले हैं ये बाहर, ये सिलेंडर ही फट सकते थे। ठीक है, वैसे जानी नुकसान तो कोई है नहीं, लेकिन माल का नुकसान ज़्यादा हो गया। अच्छा, कितने घंटे लगे कम से कम इस आग को बुझाने में? मतलब एक डेढ़ घंटा लगा। कितने कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है? हमारे कर्मचारी 10 कर्मचारी हैं, हमारे कार्यकर्ता 10 कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है। 4 फायर टेंडर लगी हुई है। अच्छा। दो गाड़ी यहाँ से है, दो गाड़ी पीछे लगी हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं पूरी गली के अंदर, एक बार आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, पूरा पूरा जो, और गली के अंदर आपको बता देती हूँ कि दहशत का माहौल बन गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है एक घर के अंदर आग लगी, अगर फायर ब्रिगेड की टीम जो है मौके पर नहीं पहुंचती तो हो सकता है कि 2-3 घर जो है इसके लपेटे के अंदर आ जाते। तो अभी पड़ोसियों की बात की जाए तो पड़ोसियों से पता चल रहा है कि मंदिर के अंदर ज्योत जल रही थी, जिसकी वजह से पर्दे ने आग पकड़ी और पर्दे के आग पकड़ने की वजह से जो है यहाँ पर पूरी जगह आग फैल गई। आप लोग देख सकते हैं जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर दमकल भाग की टीम लेकर के पहुंच गई है, और आगे और पीछे घर के दोनों साइड से जो है आग बुझाने की कोशिशें की जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि घर के अंदर कुछ भी नहीं बचा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। एक तरफ जो है दमकल विभाग के कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी जाती, तो वहीं दूसरी तरफ जो है दमकल विभाग के कर्मचारी जो है यही सबसे पहले मौके के ऊपर काम आते हैं। अगर अभी रिसेंटली बात की जाए कुछ दिनों पहले की, तो हमने देखा था रामचाट भंडार के अंदर आग लग गई थी, उसके बाद एक पीजी के अंदर आग लग गई थी, उसके बाद जो है इस घर के अंदर आग लग गई। ऐसे ही जो है गर्मियों की बात की जाए, अभी तो गर्मियां ज्यादा शुरू भी नहीं हुई है, उससे पहले ही आग लगनी है हर गली मोहल्ले के अंदर शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि ज्यादा गर्मी की वजह से शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाएं भी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप अपने घर को लॉक करके जा रहे हैं तो ये सुनिश्चित करके जाइए कि आपके मंदिर के अंदर कोई दिया नहीं जल रहा है, कोई ज्योत नहीं जल रही है। और अगर आप किसी भी इस तरीके की चीज को अपने घर के अंदर छोड़ करके चले जाते हैं तो हो सकता है कि जो नुकसान
नुकसान आज इनका हुआ है वैसा ही नुकसान आपको भी भुगतना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, और जब भी अपने घर से बाहर निकले तो देख करके जाइए कि अपने घर के अंदर सारी चीज़ें सही है या फिर नहीं है। कोई भी आग लगी हुई चीज़ वहाँ पर ना छोड़ के जाए, या फिर कोई भी आपको लगता है आपके घर के अंदर आपने अपने प्रोटेक्शन के लिए कोई सामान रखा है जो आपको लगता है कि अगर कोई भी आता है तो हमें बचाने में कामगार साबित होगा, तो अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो वो सामान भी अपना उठा करके कहीं और रख के जाइए, जिससे आग पकड़ने का खतरा ज़्यादा होता है। ये देखिए सिलेंडर जो है अभी बाहर निकाल लिए गए हैं, ये वो सिलेंडर है जो बाहर से काले हो गए हैं, दो जो है बड़े सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं, वहीं एक छोटा जो है छोटा सिलेंडर दिखाई दे रहा है। और आपको बता देती हूँ कि ये शायद अभी फटे नहीं है, जिसकी वजह से पहले ही जो है दमकल विभाग की टीम ने इनको बाहर निकाल लिया। अगर ये फट जाते तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि सिलेंडर फटने से आसपास के घरों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता। हालांकि पड़ोसियों की बात की जाए तो पड़ोसी सर आपका आपका घर सुरक्षित, आपके घर के अंदर तो कुछ नहीं हुआ? हमारा घर सुरक्षित है। ये आपका ही घर होगा साथ वाला? अच्छा, घटना का कारण क्या मान रहे हैं? मंदिर में जोत जल रही थी शायद। अच्छा, तो ये आप लोगों को कब पता लगा कि ऐसे आग लग गई है? धुआं निकल रहा था। धुआं निकल रहा था। हाँ। घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था? नहीं, कोई नहीं, ताला लगा के जा रहे थे बाहर। तो इनको खबर किसने दी है? हमने दी थी, धुआं निकल। हाँ, तो अगर बात की जाए आग की, तो लगभग कितने समय के अंदर फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पहुँच गई थी? जल्दी आ गई थी मैम। आप लोगों ने ही फोन किया था? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो घर वालों को भी आप लोगों ने ही अवगत कराया है? हाँ जी, हाँ जी। और सामान की बात की जाए तो सारा सामान जल चुका है? सामान लगभग जल गया है। अच्छा, आप तो यहाँ पर रहते होंगे, आपको पता होगा कि ऊपर भी मेरे ख्याल से इनका पोर्शन बना हुआ है। नहीं नहीं, अभी ऊपर देखा ही नहीं कुछ, क्या क्या जला है। तो आपको बता देती हूँ, अगर अब की बात की जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान जो है यहाँ पर हो गया है। दमकल विभाग की टीम पहुंच गई है, लेकिन फिर भी इनको सैलरी नहीं दी जा रही है। तो जल्दी से जल्दी जो है इस वीडियो को शेयर करते रहिए, इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। आगे भी आपको इसी तरीके से आपके शहर के अंदर जो भी घटना होगी उसकी सबसे पहले जानकारी देंगे। इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। और आपको क्या लगता है कि दमकल विभाग के कर्मचारी बहुत दिनों से धरने के ऊपर बैठे हैं, उनकी 6 महीने की सैलरी नहीं दी जा रही है, लेकिन जब आगजनी की घटना होती है तो सबसे पहले ये बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर पहुंच जाते हैं? अगर इंसानियत है, जमीर जिंदा है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इन जो दमकल विभाग के कर्मचारी हैं इनको भी न्याय दिलाए, क्योंकि ये लोग आपकी सेवा के अंदर हमेशा तत्पर रहते हैं। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के सिरसा रोड से। नमस्कार।